नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है जो कि हमने इन्वर्टर कौन सा लगाना है, इन्वर्टर कौन सा लगाए, जो कि इन्वर्टर और बैटरी हमने कौन सी एडजस्ट करनी है, या तो अपने घर के लिए या फिर अपनी दुकानदारी के लिए। उसके विषय में हम बात करने वाले हैं, भाई घर के अंदर हमारा क्या लोड होता है, लोड के अनुसार हमने कौन सा इन्वर्टर एडजस्ट करना है, उसके अनुसार ही हमने एक बैटरी खरीदनी है या फिर इन्वर्टर खरीदना है। जैसे कि जो अब आपने हमारा इन्वर्टर देख लिया है, यहाँ पर इन्वर्टर दिखाई दे रहा है आपको, ये इन्वर्टर है हमारा पूरे घर के लोड के लिए और हमारी दुकानदारी के लिए। और अगर हम छोटा इन्वर्टर लेते हैं, जो भी हमने घर में क्या चीज़ यूज करनी है, वैसे मान लीजिए आप एक दुकानदार के पास गए, आपने बोल दिया एक इन्वर्टर लेना है भाई, ठीक है, वो आपको बोल देगा भाई ये 2000 का है इन्वर्टर। जैसे क्या होता है, बैटरी अलग होती है और इन्वर्टर अलग होता है। इन्वर्टर एक छोटी सी जो बैटरी सी होती है, स्टेबलाइजर सा होता है, जो हमारे पास टीवी के लिए वोल्टेज होती है, इस प्रकार से थोड़ा बड़ा होता है जो, उसको इन्वर्टर बोलते हैं। वो इन्वर्टर अलग होता है और बैटरी अलग होती है। इन्वर्टर का हमें प्राइस बताएंगे, इन्वर्टर का प्राइस मान लीजिए भाई 2500 रुपये या 3000 रुपये, 4500 रुपये, 5000 रुपये, 7000 रुपये, 10000 रुपये, 15000 रुपये। उसने बोल दिया भाई ये 3500 रुपये का इन्वर्टर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है, ये आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। वो आपको ये नहीं बताएगा भाई ये अपने घर में इतना लोड चला सकता है और इतने बल्ब या जो पंखा कूलर है इतना लोड है, इसकी एक कैपेसिटी है, ठीक है। साथ में आपने एक मान लीजिए भाई फ्रिज भी चलाना है, उसकी कैपेसिटी, ये नहीं बताएगा आपको, ठीक है। उसके अनुसार हमने कंपनी भी देखनी है भाई, हमने कौन सी कंपनी का लेना है भाई, कंपनी माइक्रोटेक की हो या सुकैम की हो, यूटीएल की हो, या आप कौन सी भी ले सकते हो। इसमें मेन मकसद क्या है भाई, ये तीनों ये कंपनी फेवरेट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात क्या है भाई, अपने पास जो इन्वर्टर है वो इन्वर्टर कौन सा ले और बैटरी कौन सी ले। जैसे कि हमने ये देखना है मैक्सिमम हमारे पास कितने घंटे लाइट आती है, ठीक है। जो लाइट आती है उसके अनुसार मान लीजिए 150 एम्पेयर की यदि आपको बैटरी देता है, जो मैं आपको इस बैटरी में एम्पेयर दिखा रहा हूँ, ये कुछ एम्पेयर इस प्रकार से होता है, 125 एम्पेयर की या 150 एम्पेयर की या 200 की, 220 की, ये इस प्रकार से इनके एम्पेयर होते हैं। मान लीजिए भाई 150 एम्पेयर की एक बैटरी दी आपको, ठीक है, वो 150 एम्पेयर जल्द से चार्ज हो जाएगा भाई, अच्छी बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आपके पास लाइट कम है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक लाइट कटती है तो उसमें प्रॉब्लम है। उसके बजाय आपने कम से कम भी 180 या 200 एम्पेयर की बैटरी लेनी है, ठीक है। ये तो आपकी ये हो गई भाई, 12 वोल्ट तो मैक्सिमम होता है बैटरी का, 12 वोल्ट होता है, और जो एम्पेयर होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो साइड में दिखाई दे रहा है एम्पेयर होता है, ठीक है, जो ये मैक्सिमम 150 से ले करके और आप 220 एम्पेयर तक ले सकते हो मैक्सिमम, ये मान के चले भाई लाइट कम है। इसमें क्या होता है, जो प्राइस का फर्क होता है, ठीक है, मान लीजिए भाई 12500 रुपये की हमने 150 एम्पेयर की बैटरी मिल गई, ठीक है, 180 एम्पेयर की हमने मिली 13000 रुपये की, ठीक है, और 13500 रुपये की जो मिल गई बैटरी हमने 220 एम्पेयर, 225 एम्पेयर की बैटरी, इसमें जो प्राइस होता है हमारे पास, प्राइस का फर्क है, और जो लंबे समय तक बिजली को स्टॉक कर लेती है, ज़्यादा एम्पेयर हो गया तो हमारे पास, ठीक है। बात करते हैं अब इन्वर्टर की, मान लीजिए एक इन्वर्टर है हमारे पास 650 या 600 EV का एक इन्वर्टर है, ठीक है, 600 EV का एक इन्वर्टर है, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए हमारे घर में जो बल्ब होते हैं 6 बल्ब एक इन्वर्टर में कंटिन्यू चला सकते हैं हम, यानी कि 600 EV का इन्वर्टर है तो हमारे पास, ठीक है, और मान लीजिए उसका प्राइस उन्होंने रख दिया 2500 रुपये, ठीक है, 2500 से 3000 रुपये प्राइस दे दिया, और उसमें बल्ब कितने चलाएंगे, 6 बल्ब, या फिर हम हमारे पास एक छोटी पानी की मोटर है उसको हम चलाना चाहते हैं तो वो मोटर उसके अंदर नहीं चलेगी, ये तो प्रॉब्लम है एक कम पैसे की और 600 EV इन्वर्टर की। मान लीजिए हमने एक 800 या 850 इन्वर्टर ले लिया, उस इन्वर्टर के अंदर हम प्रेस भी चला सकते हैं,
जो कि 700 से 750 वाट की प्रेस होती है, ठीक। या फिर एक ही चीज़ चला सकते हैं हम, इनके अंदर दूसरी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, प्रेस चला सकते हैं, या फिर हम हमारे पास जो पानी की मोटर है उसको भी चला सकते हैं, या फिर हम घर में जो हमारे पास फ्रिज होता है उसको चला सकते हैं, जो कि नॉर्मली फ्रिज 800 से 850 वाट का होता है। इनके अंदर हम कंटिन्यू एक चीज़ चला सकते हैं, उसके अलावा हम कोई पंखा या कूलर या लाइट कुछ भी नहीं चला सकते। एक ही चीज़ इनका लोड है, कैपेसिटी होती है 800 से 850 वाट के जो इन्वर्टर होते हैं उसकी। और इसका मान लीजिए भाई 4,500 रुपये प्राइस है। तीसरी बात करते हैं, जो कि 1200 या 1250 वाट का जो हमने इन्वर्टर ले लिया है, उस इन्वर्टर के अंदर हम मान लीजिए एक तो हमने पानी की मोटर चला ली, ठीक है, उसके साथ में हम भाई एक LCD या फिर एक टेलीविज़न या फिर एक पंखा, उनमें से एक या दो चीज़ चला सकते हैं जो मैक्सिमम नॉर्मल बिजली के हैं पानी की मोटर के साथ, ठीक है। या फिर हमने एक फ्रिज चला रखा है, उसके साथ पंखा या फिर कूलर है, या फिर भाई LCD या TV कुछ एक चीज़ उसके साथ में चला सकते हैं, या फिर हमने भाई प्रेस चलाई हुई है इसके साथ भी हम एक या दो चीज़ चला सकते हैं लोड के हिसाब से, ठीक है। उससे क्या होगा, बैटरी जल्दी डेड हो जाएगी, चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो जाएगा उसका, ठीक है। ये तो सिंगल बैटरी की बात है, जो मान लीजिए भाई हमने डबल बैटरी का लेना है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये तो एक बैटरी का 12 वोल्ट होता है, दो बैटरी में 24 वोल्ट बन जाते हैं, 12 + 12 24 वोल्ट सीरीज में बैटरी कनेक्ट की जाती है। डबल बैटरी का हमारे पास कम से कम भी 1500 या 1800 या 2200 वाट का इन्वर्टर होगा, ठीक है। उसकी जो इन्वर्टर कैपेसिटी हमारे पास कितनी है, 24 वाट, वो 24 वाट में इन्वर्टर होगा। या फिर हमने 12 वाट में इन्वर्टर लेना है, उसको हम सोलर में भी ले सकते हैं। मान लीजिए भाई 12 वोल्ट में हमने सोलर वाला इन्वर्टर चाहिए। तीसरी बात क्या होती है, जो हम इन्वर्टर लेते हैं उसके साथ में हमने ये देखना भाई सेंसर वाला इन्वर्टर है या नहीं है। सेंसर का मतलब क्या होता है, जो हम घर घर के अंदर पंखा चलाते हैं, पंखे के अंदर चिरन 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 में थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती है, घूंघू की आवाज़ आती है। यदि सेंसर वाला इन्वर्टर नहीं है हमारे पास तो पंखे के अंदर आवाज़ आएगी, ठीक है। इससे भी कुछ 300 400 500 रुपये प्राइस रेट का भी फर्क होगा इन्वर्टर के अंदर। मैं तो आपसे ये रिक्वायरमेंट करता हूँ भाई, आपने घर के लिए इन्वर्टर चाहिए तो मैक्सिमम 800 वाट का, 800 से 850 वाट या 900 EV का इन्वर्टर होना चाहिए, उससे आप घर का लोड आसानी से चला सकते हो। हर घर में एक ही रिक्वायरमेंट होती है भाई, पानी की मोटर हो या कूलर पंखा, एक दो चीज़ चल जाए, ये चीज़ तो मैक्सिमम होती है। इससे पानी की मोटर या कूलर पंखा आप आराम से चला सकते हो, 800 से 900 वाट EV का इन्वर्टर हो। मैं दूसरी बात क्या है, सेंसर वाला इन्वर्टर हो। तीसरी बात, अगर आप सोलर लगवाना चाहते हो तो सोलर वाला इन्वर्टर हो, ठीक है। यदि हम 12 वोल्ट की बजाय हम 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगवाते हैं तो उसके अंदर हम कूलर पंखा मोटर या फिर वही घर का पूरा लोड चला सकते हैं। उसके अंदर हम सोलर की प्लेट भी लगवा सकते हैं, एक या दो प्लेट काफ़ी होगी घर के लिए, ठीक है। और तीसरी बात, यदि हम दुकान के लिए इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं तो आप 48 वोल्ट का इन्वर्टर लगवा सकते हो, जो कि हमारे पास ये इन्वर्टर है, ये 48 वोल्ट का है। इसके अंदर मैं 3 फ्रिज चलाता हूँ, ठीक है, और साथ में हम पूरा घर का लोड है, जैसे कि मान लीजिए भाई वॉशिंग मशीन हो, पानी की मोटर हो, कूलर पंखा TV या हमारे CCTV कैमरा या कंप्यूटर, ये पूरे घर के लोड और 3 फ्रिज में आराम से चला लेता हूँ। फिर भी 20-25% यहाँ पर लोड दिखाता हमें, या उसके अलावा मैं AC भी इस इन्वर्टर के अंदर चला सकता हूँ। AC से फिर क्या होगा भाई, इन्वर्टर के अंदर AC तो चल जाएगी परंतु बैटरी की कैपेसिटी कम रह जाएगी, यहाँ पर जल्द से जल्द डेड हो जाएगा ये। इसलिए इन्वर्टर तो ठीक है, इन्वर्टर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैटरी की कैपेसिटी कम हो जाएगी AC के टाइम पर। आप इसलिए भाई आप ये 12 वोल्ट है या भाई 24 वोल्ट या 48 वोल्ट का इन्वर्टर कौन सा भी लगवा सकते हो। 48 वोल्ट यदि हम इन्वर्टर लगवाते हैं तो 4 बैटरी होनी चाहिए वहाँ पर, या 24 वोल्ट का इन्वर्टर लगवाना चाहते हैं तो 2 बैटरी होनी चाहिए, या 12 वोल्ट का इन्वर्टर हमारे पास है तो सिंगल एक बैटरी वाला होना चाहिए। मैक्सिमम बैटरी की रिक्वायरमेंट है
150 से लेके 220 तक की बैटरी आती है, एम्पेयर की बैटरी आती है, उनमें से आप अगर आपके पास बिजली कम आती है वो तो भाई 180 से 200 या 220 एम्पेयर की बैटरी हमारे पास होनी चाहिए, 150 एम्पेयर की बैटरी नहीं लेनी हमने, ठीक है। और इन्वर्टर भी आप अच्छी क्वालिटी का ले, सेंसर वाला इन्वर्टर ले, और कम से कम भी 800 से 850 EV इन्वर्टर होना चाहिए, या फिर 900 EV का इन्वर्टर होना चाहिए। इससे आप घर का लोड या पानी की मोटर आसानी से चला सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट के अंदर डाल देना। जय हिंद।